सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है, हस्बैंड भी अपना काम से निकल चुके हैं काम पे, और मैं अपना जो है चाय लेके यहाँ बैठी हूँ, कॉफ़ी मग में चाय। पापा अभी उठे हैं और पापा को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पापा फ्रेश होने में 1 घंटा लगाते हैं। तब तक मैं थोड़ा बहुत अपना घर का काम निपटा के फिर बनाऊँगी नाश्ता कुछ। और मैं छत पे आ गई, मुझे कपड़ा फैलाना था तो मैंने बाल्टी को वहाँ रखा हुआ है। और मैं आ गई फूल देखने के लिए कि फूल खिला है कि नहीं। ज़्यादा फूल नहीं खिला हुआ है, थोड़ा सा है क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो फूल ज़्यादा खिलता नहीं है। और यहाँ पर मैं कपड़ा फैला देती हूँ, लेकिन एक हाथ से नहीं हो पाएगा। मैं अब जो है दूसरा हाथ लगाऊंगी कपड़ा फैलाने के लिए। कपड़ा फैल चुका है, अब मैं जा रही हूँ नीचे। मैं नीचे आने के बाद यहाँ पे सारा कपड़ा रख दी हूँ। मुझे सारा कपड़ा जो है फोल्ड करना है क्योंकि ये सब सारा कपड़ा सूख गया था कल। कल टाइम नहीं मिला था कि मैं फोल्ड कर पाऊँ। और मेरी काम वाली आ चुकी है तो वो जो है किचन साफ करी, उसके बाद ही कुछ बनाऊँगी। तो चलिए, पापा भी बोल रहे हैं कि चाय देने के लिए, उनका भी टाइम हो गया चाय का, उनको चाय दे देती हूँ, उसके बाद आगे काम करेंगे। और मैं आ गई किचन। यहाँ पर मैंने मलाई रखा हुआ है, मैं घी निकालूंगी इससे। और यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है, चाय भी बन चुकी है। तो चलिए चलते हैं पापा के रूम में चाय लेके। चाय, पानी, बिस्किट, बादाम, अखरोट, पापा का ट्रे, डेली पापा यही लेते हैं। मेरा सारा काम हो चुका है, मैंने ड्राइंग रूम को भी क्लीन कर, बिटिया रानी का भी रूम क्लीन हो चुका है। इधर इतना सारा कपड़ा रखा है धोने के लिए, थोड़ा सा मशीन में चल रहा है अभी। ये रूम भी क्लीन हो चुका है, ये रूम भी क्लीन हो चुका है। लक्ष्मी अभी किचन को क्लीन कर रही है। किचन थोड़ा सा क्लीन हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है। ज़मीन पूरा गंदा है, गैस साफ़ हो गया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मसाला ओट्स। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच रिफाइंड, थोड़ा सा जीरा या नमक, हल्दी, बीन्स, गाजर। सब्जी आप जो है अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसको हल्का सा भून के उसमें मैंने डाला है ओट्स। ये मसाला ओट्स है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। इसको 1 से 2 बार भूनिए, उसके बाद इसमें नॉर्मल पानी देना है, गर्म पानी नहीं देना है। तो ये हमारा मसाला ओट्स बहुत जल्दी बन जाता है। कम तेल मसाला में बहुत हेल्दी चीज़ है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए, इसको बना के खाइए। तो इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है और हमारा मसाला ओट्स रेडी है। और यहाँ पे जो है पापा भी नाश्ता कर रहे हैं। पापा जो है दलिया खाते हैं, कर रही है। गीता भी यहाँ नाश्ता करिए बैठ के धूप में। अभी पूजा रूम में पूजा का बर्तन धो लेती हूँ, फिर घर पहुँचूंगी, फिर नहा के पूजा पाठ करूँगी। सभी लोगों का नाश्ता हो चुका है तो उसके बाद ही बनेगा खाना। ये रहा पूजा का बर्तन जो मैं धोने जा रही हूँ। मैं पूजा करके आ गई, उसके बाद मैं भी ले रही हूँ नाश्ता अपना। ये है मेरा नाश्ता ओट्स जो मैं अभी बनाई थी। करने के बाद मैं आ गई किचन। किचन आने के बाद मैंने यहाँ जो है कुकर में चढ़ा दिया है दाल, यहाँ पे है चावल, इधर दूध जो है बॉईल हो रहा है। जो सुबह मैं दूध बॉईल की थी उसका पनीर बना के रख दी। मैं सोची थी कि मैं साग का दाल बनाऊंगी लेकिन साग नहीं बना पाई। अभी बजने 12 बजे मैं साग लेने भेजूंगी, वो आएगा लेके उसको चोड़ूंगी, धोऊंगी, बनाऊंगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आज जो है मैं सिर्फ दाल, चावल, आलू गोभी की सब्जी और साग है उसको रेडी कर देती हूँ। साग सरसों का जो है मैंने साग को भून दिया है, साग हमारा हो चुका है तो मैं इसको रख देती हूँ। थोड़ा सा ही हुआ गल के क्योंकि थोड़ा सा था। तो मेरी बेटी आ चुकी है स्कूल से, खाना खा रही है दाल, चावल, घी, अचार। इसको सब्जी नहीं खाना है, गरम गरम दाल चावल खा रही है। किचन आ गई, माँ के लिए मैं रोटी बनाई हूँ। तो यहाँ पे माँ का थाली लगा दिया है मैंने। जो गीता है वो गई है माँ को उठाने के लिए। माँ को जब उठा के बैठा देगी उसके बाद माँ को खाना देंगे। तो वो गई है माँ को खाने के लिए। यहाँ पापा के लिए हम भी खाना निकाल रहे हैं, पापा को भी खाना दे देती हूँ। बेटी भी खाना खा रही है, उसके बाद मैं भी खाना खा लूँगी। है माँ का थाली, छोला दाल, साग और आलू गोभी की सब्जी, रोटी। ये माँ का थाली रेडी हो चुका है, अब जो है पापा के लिए थाली लगाएंगे। और ये है पापा का थाली, तो चलिए पापा को भी दे देती हूँ खाना। यहाँ पापा खाना खा रहे हैं नहा धुआ के। ये है मेरी थाली, यहाँ पे मैंने भी अपना खाना ले लिया है। मैं एक रोटी खाऊंगी क्योंकि मेरा पेट फुल है। मैं कल जो खाना खाई वो अभी तक मेरे पेट में है, ज़्यादा कल खा ली थी। तो आज एक रोटी, सब्जी, साग, दाल खाऊंगी ताकि कुछ आराम हो सके पेट का। तो ये मैं फिनिश कर लेती हूँ। खाना पीना हो चुका है, सभी लोग खाना खा लिए, मैं भी आ गई अपने रूम में। तो चलिए मिलती हूँ शाम में 4 बजे चाय पी। मैं आ गई किचन वापस से चाय बनाने के लिए। अभी बज रहे हैं 5:15। थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है यहाँ पे,
क्या सच लेट हो गई, पता नहीं मुझे क्यों बहुत नींद आ रही थी और मैं सोई तो सो ही गई, उठने का मन ही नहीं कर रहा। अभी शाम हो गया तो मैं जा रही हूँ आरती करने के लिए। शाम में जो है दिया जलाते हैं भगवान के पास, तो वहीं जा रही हूँ। चलिए पहले दिया जला लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी किचन। खाना है यहाँ पे, मैंने मटर को उबाल के रखा हुआ है और ये है पनीर जो मैंने दिन में बनाया था, वो तो इसका सब्जी बनाऊंगी। और ये थोड़ा सा पनीर को मैंने साइड किया है क्योंकि मेरी बेटी जो है पनीर सब्जी नहीं खाएगी, उसके लिए चिली बनाऊंगी, तो पनीर चिली और पनीर मटर पनीर बनेगा। यहाँ पे अदरक लहसुन शिमला मिर्च सब रखा हुआ है। रोटी बना रही हूँ, पापा का खाना का टाइम हो, और ये रहा पापा का थाली। और ये है मेरी प्लेट, मैं भी खाना खा लेती हूँ। मेरी बेटी खाना खा रही है, सब लोग खा लिए हैं, और पापा का खाना खाने के बाद मैं भी खा ली, गुनगुन भी खा ली, मेरी बेटी खाना। ये है नहीं, ये बाहर गए हैं तो ये लेट से आएंगे। माँ अभी खाना नहीं खाती है, माँ खाती हैं 9:30 में, पापा जी 7:30 से 8 के बीच में खाना खा लेते हैं। ये मतलब हो गया कि पापा 7 से 7:30, कभी 8, कभी कभार 8 बजते हैं, तो 8 बजे पापा खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं भी खाना खा लेती हूँ। मेरा भी खाना हो गया है, अब मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि गीता खाएगी और माँ, और नीचे जो है मेरा जिमी है तो उसके लिए भी खाना जो है लेके जाऊँगी। पहले मैं रोटी बना लेती हूँ और इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि अभी रात के जो है 8:30 होने जा रहा है रोटी बनाते बनाते। उसके बाद मैं मुझे वीडियो एडिटिंग करना है, फिर इसे मैं कल पोस्ट पे डाल दूँगी ताकि आप लोग देखिए कल का, आज का वीडियो कल जाएगा, कल का वीडियो परसों जाएगा, ऐसे करके मैं दूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो देती जाऊँ।